राजनीति के सुरंग में समाती जा रही कांग्रेस को सोनिया संभालने की कोशिश में जुटी हुई हैं। दिल्ली में हर रोज कांग्रेसियों का मेला लग रहा है, बड़े बड़े मठाधीश दफ्तर पहुंच रहे हैं और सोनिया के साथ लंबी लंबी बैठकें चल रही हैं। हाल ही में हरियाणा पार्टी अध्यक्ष पर फैसला हुआ, अशोक तंवर को हटाकर कुमारी शैलजा को कमान दी गई और उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर मध्य प्रदेश का भी हिसाब कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा नजर कहीं पर है तो वो दिल्ली है, जहां कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और शीला दीक्षित के निधन के बाद सोनिया अपना नया चेला ढूंढने में जुट गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि सोनिया की जी हुजूरी करने वाला वो नेता अब दिल्ली में कौन बनेगा। उम्मीदवारों की लिस्ट में अभी तक चार नाम चिपक चुके हैं और माना जा रहा है कि उन्हीं में से किसी एक को सोनिया अपना चेला बनाएंगी। उधर पार्टी के कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं कि किसकी बात मानी जाए और किसकी नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस की गुटबाजी कोई कम नहीं है। शनिवार को सोनिया ने घर पर पूर्व पार्टी अध्यक्षों की बैठक बुलाई। पूर्व पार्टी अध्यक्ष मतलब अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, जेपी अग्रवाल, सुभाष चोपड़ा। इसके अलावा दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको को भी इस मीटिंग में बुलाया गया। माना तो यही जा रहा है कि जेपी अग्रवाल या फिर अजय माकन के नाम के पर्चे कार्यकर्ताओं में जल्द बंटवा दिए जाएंगे, क्योंकि सोनिया युवाओं पर कम, तजुर्बेकारों पर ज्यादा भरोसा करती हैं। यही वजह है कि उनके कहने पर अशोक गहलोत को राजस्थान और कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन सोनिया कब क्या खेल कर देंगी किसी को पता नहीं। महिला के नाम पर अगर अलका लांबा को कुछ बड़ा पद दे दिया जाए तो चौंकने की बात बिल्कुल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।